बिरला जी अपना आप में देखे समाज के आदमियों के साथ टहनी जैसे खड़ा होते ना ऐसे लाला बिरला जी और अपने प्रधान शिव रतन जी गुप्ता लोगों के साथ देंगे ना उस दिन समाज की छवि बनेगी, समाज में नाम होगा। पैसे से जो कर रहे हैं ना भी किसी को नहीं बढ़ देना, किसी काम वाले को तो कदे नहीं बढ़ना, खाली वो आदमी ट्रस्ट में बढ़ते हैं तो इनकी ताली बजाते हैं। ऐसे पैसे ऐसे खाए हैं पैसे, को झूठ नहीं करा तो फिर क्या जो बिम्मा में पैसे बने थे उसका सारा कमीशन निकाल के फिर कैसे सेठ है, किसे कैसे बोल रहा है? अपनी जान में तो अपना आप कहते ना, जब तो समाज का भला नहीं करता। 1000 रुपये में माँ बाप की फोटो लगा के उस जगह को मोल ले लिया, और किसी ने तो आपकी फोटो नहीं लगाई। क्या फोटो लगाने से, अगर इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगाई है तो इस प्राकृतिक स्थल में जो जो फर्क काम होना है अपने पैसे से कराए सेठ जी। मेरा बाप का तो नहीं है, सेठ की रोनी मिल का स्कूल है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग गुंडा कर दिए ताले खुलवाए। वो तो पता नहीं क्या करें, मिली आपको तो उस टाइम तो मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं आप उन लोगों पर देखो मेरी बात सुनो, स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस संस्था में ये दोनों शिव रतन गुप्ता जी और नगर सेठ जिस संस्था में मतलब ट्रस्टी बनते हैं वो संस्था गोबर गणेश होती जा रही है। ये जिस ट्रस्ट में बैठते हैं दोनों आदमी प्रधान और इसमें महामंत्री हैं, उस ट्रस्ट को बर्बाद करने पे तुले हैं। नमस्कार, वो कहावत है जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष से इनका नारा है, चाहे वह निक्की राम पार्क की हो, किरोड़ी मल पार्क की बात हो, चाहे वह आपकी प्राकृतिक चिकित्सालय की लड़ाई हो, चाहे वह खाटू शाम जाके लड़ाई लड़नी हो यानी, और चाहे वह स्कूल की प्रांगण की मूर्ति की लड़ाई हो यानी, विजय टैनी वो नाम जो हर सामाजिक काम के अंदर अपनी फाचर ठोके रखा है। नमस्ते। नमस्ते सर। टैनी भाई फाचर की ठोके रखा करें, देखो समाज की लड़ाई नहीं है। अच्छा, देखो पीछे ने किरोड़ी मल पार्क सेठ किरोड़ी मल ने छोड़ा था बच्चों के खेलने के लिए, वहाँ हॉस्पिटल के ठेके द्वारा हॉस्पिटल बनाने के लिए वह शहर के अन्य संस्थाओं अन्य मतलब जितने भी रोड के कर्मचारी हैं नगर पालिका कर्मचारी ने सबने एक डंपिंग पॉइंट बना दिया था, कूड़ादान बना दिया था। हर साल वहाँ रामलीला का प्रोग्राम अग्रवाल सभा द्वारा मतलब किया जाता था, वहाँ देख कर दुर्दशा इतनी ख़राब कर दी थी कि वहाँ संघर्ष की लड़ाई लड़ने में हम कामयाब रहे, वो मड़वा ठीक कराएगा, परंतु अब भी हॉस्पिटल के ठेकेदार द्वारा वही हरकत पे चालू कर दी गई। अच्छा, तो इसके बारे में भी हमने दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा, दोबारा पार्क का स्वरूप को बिगाड़ने के लिए हॉस्पिटल के सीएमओ और खासकर जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश कुमार, उसने तो इतनी याद कर दी कि इस हॉस्पिटल का स्वरूप को बिगाड़ने में पूरी तरह से तुला हुआ है, तथा बच्चों के खेलने का स्थान को एक डंपिंग पॉइंट दोबारा बना रहा है। अच्छा। मैंने इस बारे में भी प्रशासन से और डॉक्टर से बात करी थी, वो नहीं मानेगा, तो जल्दी हम कोर्ट का सहारा लेकर जो कोर्ट का आदेश है भी इसको स्वरूप को बिगाड़ा नहीं जा सकता, वो फैसले को अच्छा, मेरे पास है। एक लड़ाई और चल रही है सोशल मीडिया पे, चाहे तो वेस्ट मॉडल स्कूल की बात कर लो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सालय की बात कर लो, चाहे वह साला सर बालाजी धाम की धर्मशाला की खाटू जी की धर्मशाला की बात कर लो, और उसमें मेन चेहरा अहम चेहरा लड़ाई के अंदर किस लिए? देखो खाटू धाम में कई साल पहले समाज के आदमियों द्वारा एक खाटू में धर्मशाला बनाई गई थी भिवाणी वाले के नाम से, जो मंडा रोड पर है। उस धर्मशाला में हमारे नगर के सेठ श्री 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 1008 बिरलाल जी सराफ वो उसके ट्रस्टी है। सेठ तो सुना था भाई, यो श्री श्री 1008 कतला का लगे सेठ आगे बच्चा हरियाणा का नगर सेठ है ये, तो श्री श्री 1008 लगेगा बतल नगर सेठ के लिए, तो 1008 भी बहुत थोड़ा है। जिस जिस संस्था में पड़े चरण उसकी होत रहे सफाई रहे, ये तो वो चीज़ है। खाटू मंडल में ट्रस्टी होता है और खाटू मंडल की ट्रस्ट की लड़ाई रोड पे आ गई थी, जिसमें हमारी मैं अग्रवाल सभा का प्रधान था और 2015 में प्रधान होने के नाते ये लड़ाई में मैंने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई, परंतु हमारे सेठ के नगर सेठ इसके ट्रस्टी होने के नाते इसने नू कही भी मैं इस धर्मशाला का
जल्दी ही फैसला करा दूंगा, आप दोनों पक्ष मुझके कोरे कागज पर 2015 में साइन करके दे दो, परंतु आज 2021 होगी, उस धर्मशाला का बंटा धार होगा, धर्मशाला माटी में मिलगी, और आज 6 साल हो गए ना कोई फैसला कराया, बिल्कुल उस धर्मशाला का सब सत्यानाश कर दिया। ये भिवानी शहर के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात होती है कि 5 करोड़ रुपये की धर्मशाला का आपस भी की लड़ाई में उसका बंटा धार करना, क्या सेठ की प्रॉपर्टी है? सेठ जिस चीज़ में ट्रस्टी बनता है उसको बंटा धार करने के लिए ट्रस्टी बनता है क्या? उसको फैसला कराने के लिए समाज में बढ़ता है? मैंने भी बहुत सी लड़ाई लड़ी है, मैंने फैसला कराया है, न कि एक चीज़ को कुंडली मार कर बैठ जाए, उस संस्था का सभा सत्यानाश करते। ऐसी एक संस्था देखो, अग्रवाल सभा द्वारा एक मूर्ति गई दी गई थी वेस्ट मॉडल में, प्योर पत्थर की मूर्ति है, करीब 5-10 लाख रुपये की लागत से, वो खूब बढ़िया प्रांगण में लगी थी, उसको 8 महीने पहले एक कूड़ादान में यानी स्टोर में गेर के उस मूर्ति को बिल्कुल मतलब ख़त्म करने का प्रयास किया। मैंने उनको कई बार अवगत करा, मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे, देखो मूर्ति आज लगी है कुछ 2-4 दिन पहले, क्यों मैंने उस बारे में वोट मतलब कृष्ण जयंती थी मैंने कही, इनको कोई जू नहीं रंगी, मैंने व्हाट्सअप करे फिर भी जू नहीं रंगी, फिर इन्हें आनम फानम में एक कूड़ा में उस मूर्ति की बिरान मट्टी करके, जो पहले तो जनता को हर बच्चे को सुबेरा अग्रसेन महाराज के दर्शन होते थे, परंतु अब तो एक कूड़ा में ऐसी जगह लगा दी कि वेस्ट मॉडल पर प्रधान और जो सेठ नगर सेठ हैं उन पर जगह नहीं दी कि मूर्ति को लगाने के बीचों बीच में, क्या मूर्ति का अपमान अग्रसेन महाराज के स्कूलों का अपमान करेंगे? ये जिस ट्रस्ट में बैठते हैं दोनों आदमी प्रधान और इसमें महामंत्री हैं, उस ट्रस्ट को बर्बाद करने पर तुले हैं। ऐसा ही उदाहरण शिवरतन ने, एक कहानी तो उपाधि दे है श्री 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 1008 नगर सेठ नगर मंडल पता नहीं क्यों के दे दी, और एक तरह लोग है बंटा धार करना ने, यार दो पहलू बात की रटा नहीं भाई, बात सुनो ऐसा नहीं लगाएंगे ना तो सेठ जो है ना अपने आपको काफी अहम हो गया उसमें, अच्छा इतना अहम हो गया, इतना घमंड आ गया भी जिस संस्था में ये दोनों शिवरतन गुप्ता जी और नगर सेठ जिस संस्था में मतलब ट्रस्टी बनते हैं वो संस्था गोबर गणेश होती जा रही है, अग्रसेन की मूर्ति का गोबर गणेश कराया, खाटू मंडल में जो भिवानीवाड़ा की धर्मशाला थी उसका बंटा धार कराया, सेठ शिवरतन जो कि वैश्य आदर्श महाविद्यालय में प्रधान बने थे वहाँ इस पर काफ़ी घपला के आरोप लगे, प्रधानता छोड़ के भाजया, ऐसा ऐसा ही उदाहरण है। 18 करोड़ 62 लाख रुपए से वैश्य इंटरनेशनल स्कूल बनाया इस ट्रस्ट ने बनाया, परंतु आज तक 3 साल हो गए उस स्कूल का सवा सत्यानाश करने पर तुले हैं, क्या इनके खुद के पैसे का स्कूल है? समाज के पैसे का स्कूल है ये, इनको कोई भी प्रयास नहीं कर रहे, अपनी प्रॉपर्टी अपना धन बढ़ाने का काम करते हैं, अगर इन पर टाइम नहीं है तो ये संस्था छोड़ के भाग जाएं, इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं भी प्रधान बना 2007 में, 2018 तक मैंने देखो अग्रवाल सभा में कितने काम करे, अगर रेन चौक जो भी आज तक फुहारे चल रहे हैं, अनारा देवी स्कूल का उद्धार किया, मैंने मेरे बाप की प्रॉपर्टी देनी कराया, मैंने समाज का चंदा लिया और समाज का चंदा ही समाज में लगाया, न कि इनके पैसे का दुरुपयोग किया सदुपयोग किया, काम करवाए, समाज की बढ़िया की लड़ाई लड़ता हूँ, छत्तीस जात की लड़ता हूँ, रामलीला रावण में ध्यान में भी हुआ, मैंने देख लो पर्चा अपनी एकली की जेब से एकला पर्चा दर्ज करा। एक आदमी पे तो गंभीर आरोप लगा दिए शिवरतन रतन गुप्ता जी पे, तो क्या ब्रजलाल शराब जी भी ऐसी सभी के आदमी हैं? वो सभी नहीं, स्कूल में एक पंखा खराब हो जाता ना वेस्ट मॉडल में तो उसकी कोटेशन चाहिए, जब तक बच्चे गर्मी नहीं मर लेने इतना वो कोटेशन पास नहीं होती, 100 रुपये का काम पे भी 3-3 कोटेशन चाहिए उस आदमी को, अच्छा। क्या बहन तो स्कूल के कर्मचारियों में मतलब दोनों को कोई विश्वास नहीं है, इन पर खुद का अपना काम करने के लिए काम है, अगर इन पर टाइम ही नहीं है तो स्कूल छोड़ के भागे, समाज में और भी बहुत सारे आदमी हैं जो संभाल लेंगे, संभालना आता है लोगों को, काम कराना आता है इनका, खासकर हमारा विधायक भी स्कूल में उपप्रधान है, क्या उसकी चलती नहीं? क्या स्कूल जो 18 करोड़ 62 लाख रुपये का जिसका बंटा धार कर दिया इन्होंने, क्या ये सरकार में आदमी नहीं है? कहते हैं तो हम सरकार के नुमाइंदे हैं, कोई बड़े बड़े ऊंची ऊंची ढींग भरते हैं, अरबापति हैं खरबापति हैं, क्या समाज का स्कूल को ऐसे ही बर्बाद करने का तुले? बारे में भी एक बात, मैंने विजय शराब जी का इंटरव्यू किया था और शिवरतन गुप्ता जी थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था
कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं, मैं भी संस्था को भी देखो इसमें बदनाम करने की कोई बात नहीं है। और मैं आरोप लगा दिए बड़े, देखो मैंने मेरी बात सुनो, मैं सच्चाई का कहने वाला हूँ, सच्चाई से नहीं डरता, सच्चाई जिंदाबाद है। मैंने भी 7 से 18 तक काम करा, लगाओ मैंने कोई ऐसे कोई आरोप लगाया, मैंने काम करके दिखाए हैं समाज के, 36 बिरादरी के काम के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, सबके लिए आगे रहता हूँ। जो इतने इतने पैसे वाले हैं क्या इनके शहर में चलती नहीं? अग्रवाल जो मूर्ति का अपमान किया, अग्रसेन मूर्ति का अपमान किया, प्राकृति की सला जो बंद कर दिया जी। और अब पिछले मीटिंग में भी नुकार नक्शे पास कराएंगे, कद नक्शे पास होंगे, कद वो बनेगा एक डॉक्टर के अहम की लड़ाई के लिए इन्होंने मतलब प्राकृति की सला को भी बंद कर दिया। क्या महामंत्री ये बयान देते हैं भी 2 महीने में स्कूल का नक्शा बदल देंगे? महामंत्री का कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं दी हैं डॉक्टर ने, 20 साल हो गए, 20 साल से डॉक्टर की कोई कमी नहीं है, फिर भी इन्होंने अपने एम के लिए प्राकृतिक सलों को बंद कर दिया। अहम सवाल है क्योंकि सुनने में ये बयान लग रहा है कि डॉक्टर ने अपनी खुद की जगह मिली है तो शाम रोड पे, ये बात सत्य है? देखो इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, अगर डॉक्टर बदमाशी करता है तो डॉक्टर को फौरन भगाओ। तो कमेटी ने क्या पता बदमाशी देखी हो तो कोई देखी हो तो अपने डॉक्टर के एम में हॉस्पिटल बंद करने का प्रयास क्या है? लेकिन उन्होंने कहा था मैं हॉस्पिटल आती है बंद किया। ना उन्होंने कहा था मेरी वीडियो में बंद, मेरी बात सुनो, हॉस्पिटल देखो 1 नवंबर से बंद है, इन्होंने 2 महीने का टाइम मांगा था, अब तक कोई ईंट और खोरा रेती रोड़ी कुछ नहीं लगी, जबकि 1 महीना 5 दिन 7 दिन 8 दिन गुजरने को गए। जहाँ की मैं बनाना है नया नक्शा पास करना वो काम होता रहे, मरीजों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? सेठ आपसे एक कड़वा सवाल कर लेता हूँ, लगता नहीं कि सामाजिक पारिवारिक कोई रंजिश निकाल रहे हो सेठों के नाम पे? ऊपर मेरी बात सुनो, मेरे ना मेरे समाज के अहम आदमी हैं, मैं उनका समाज से ही हूँ, मैं कोई दूसरा समाज से नहीं। देखो मेरी बात गंभीर आरोप नहीं लगा रहा, ये आरोप जो आदर्श कॉलेज में लगे ये अखबारों की आइलैंड बनी, पूरा समाज में बनी जी। जो मूर्ति हुई पूरा समाज को पता है अग्रसेन की मूर्ति का कैसे अपमान हुआ, प्राकृतिक सल जिंदा जागता उदाहरण है भी, उन्होंने कहा भी ये रिपेयर के लिए बंद है, रिपेयर के लिए कोई कमेटी की तो समाज ने क्या एक्शन? देखो समाज के आदमी अंदर खाने सारे बोल रहे हैं भी बहुत गंदा काम है, नाम तो समाज का बदनाम हो रहा है, समाज के आदमी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आज विजय टैनी सीधा सीधी चेतावनी क्यों दे रहा है? सीधा सीधी एक आरोप क्यों? देखो मेरी बात सुनो, मेरा काम है बिल्कुल साफ सुथरा कहना, मैं किसी से नू नहीं है, अभी चमचागिरी करता हूँ, मैं चमचागिरी नहीं करता। मैंने 11 साल अग्रवाल सभा में रहे हैं, मैंने ठीक निर्णय लिए हैं, मेरी जयंती देख लो और अब भी पता चल रहा है। अरे भाई आप आरोप तो आपको ऊपर लगते रहते हैं, चाहे बाल वाटिका की बात हो, तार तोड़ने की बात हो, उसमें आप मेरी बात तो सुनो, इस प्रकार से क्या आपको लगता नहीं कि आप उन्हीं को बदनाम कर रहे हो? मेरी बात सुनो, केम स्कूल का मालिक को गाड़ी का जो गाड़ी होती है उसका मालिक मालिक रहता है, ड्राइवर मालिक होता है, ड्राइवर को मालिक नहीं होता। केम स्कूल में एक चौकीदार ताले बंद कर सारे स्कूल की चाबी ले गया, बच्चे और टीचर बाहर न खड़े रहे, विधायक जी उसमें ट्रस्टी है जी। विधायक जी ने साथ जाके ताले खुलवा दिए, क्या हमने गुंड में गुनाह कर दिया? बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा बाप का तो नहीं है, सेठ किरोड़ी मल का स्कूल है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग गुंडा कर दिए ताले खुलवाए, वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको तो उस टाइम तो मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं आप उन लोगों पर, देखो मेरी बात सुनो, स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अगर मैं गुंडा होता तो स्कूल नहीं चलता, मेरे भी प्लाट होते, मेरे भी वो बनाता प्रॉपर्टी होती। जो ये जो ट्रस्टी आ रहे ना रायगढ़ से, इन्होंने अभी अभी 2-3 दुकान को मतलब 35-35, 40-40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, जिसके सबूत है दुकान नंबर 12 जो कि 2500 रुपए में मतलब घंटा रुपए, और जिसकी 25 लाख रुपए पकड़ी ले गए खा गए। इसके बारे में हमने कंप्लेंट करी है, SP से पीछे की थी, उसकी जांच जारी है, और जल्दी ही हम छत्तीसगढ़ रायगढ़ में इस न्यायालय के जो स्थगन आदेश है उसके विरुद्ध तो इसके सर ये कैसा काम ही हुआ? आपने आरोप भी लगा दिए, आपने साबित भी कर दिए, सारे काम कर दिए, चाहे उसकी चाहे उसकी गलत को गलत कहना चाहिए जी। जो खाटू धर्मशाला ने उसका सेठ जी को फैसला कराना चाहिए, सेठ जी बीच में आके दोनों तरफ से पार्टियों का एफिडेविट लिए थे 2015 में, भी मैं 3 दिन में फैसला करा दूंगा, 2021 हो गए आज तक वो फैसला नहीं हुआ क्या? उसको क्यों धर्मशाला को, समाज के धर्मशाला को दानवीरों द्वारा कमरे दिए गए थे
उनको क्यों उसका सदुपयोग दुरुपयोग करने का टेक्का दे रखा गया सेठ जी को। सेठ जी सदुपयोग करे, धर्मशाला चालू कराए, दुनिया के रहे, जिन्हें कमरे दान दाता उन्हें दिए, उन्हें अपना कमरा के लिए पता चले ये मेरा कमरा है, उस कमरे को खंडर कर दे। नहीं, गलत। अगर ये जल्दी इनका रवैया नहीं सुधरा तो टैणी जी कोई ना कोई धरना प्रदर्शन भी इनके बारे में कर सकता है। और जल्दी अगर मेरा समाज के आदमी उन्हें मतलब इनको चेतावनी देकर, देखो जैसे रातों रात इन्हें मूर्ति अग्रसेन महाराज की लगाई, वो लगाई कूणा में, वह मूर्ति बढ़िया ढंग से बिच्चू बीच पहले लग रही थी ना, उससे भी बढ़िया ढंग से लगाई जो इनको पता चले। इन्हें तो जल्दी जल्दी डरते डरते रातों रात 2 बजे तक फटाफट एक कूणा में ऐसी मूर्ति लगा दी जो कोई भी बच्चा भी नहीं देख सकता। ये अपने आप लोग कहते हैं भी बहुत बढ़िया जगह लगा दी, क्यों बीच में जगह नहीं थी पहले? बढ़ती गेट के आधे महाराज अग्रसेन के दर्शन नहीं हुआ करते जनता को, सब बच्चे को होते प्रणाम करके भीतर जाया करते। क्या ये इनकी वो नहीं है लाइबिलिटी नहीं है महाराज अग्रसेन का अपमान करने की? क्या इन्होंने ठेका डाल रखा है? स्कूल तो मैंने भी चलाए 3 साल, KM स्कूल चलाया 3 साल का, मैं उसमें मैनेजर रहा हूँ, मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जनता की फीस भी माफ करता हूँ, जनता के एडमिशन भी करे हैं। इनका तो ध्येय है कोई भी समाज का आदमी चले जाओ उसके धक्के मारना, उसको कोई काम नहीं करना, उसको अपमानित करने का ही काम है। तो व्यापारी की तरह काम करे, ट्रस्टी बनकर। देखो जिसने भगवान ने ये पद दिए ना, वो समाज के कुछ ही आदमी को पद मिलते हैं, उसका सदुपयोग करके समाज हित में, 36 बरादरी के हित में काम करें तो इनकी शाबाशी होगी। न कि 8 दरमा से किसी को हटा देना, किसी को कूणा में गिरवा देना, कोई स्कूल को फंडवा देना, किसी धर्मशालाओं को खंडर बनाना, ये कार्य इनके शोभा के लिए नहीं है। एक अहम सवाल और लेता हूँ, क्योंकि आप बनिया समाज से हो और कहीं ना कहीं छोटी काशी की बनिया समाज की रीढ़ के हड्डी काम करते हैं, तो जो आज ट्रस्टी है इनके पिताओं ने दान दिया, तो क्या जो आज के लोग ट्रस्टी हैं समाज से भी बने बैठे हैं तो इन्होंने भी कुछ दान दिया है या पिता के नाम पे दान नहीं बने बैठे? देखो मेरी बात सुनो, शेठ जी ने कुछ दान प्राकृतिक चिकित्सालय में दिए, उसको ऊपर दो आपका बापू की आपकी माँ की फोटो लगवा दिए। देखो जो प्राकृतिक चिकित्सालय की जमीन है ना, वो गौशाला ने दान में दी है जी। और उसके बाद लाला बनारसीदास गुप्ता हमारे सेठ, नगर सेठ, मुख्यमंत्री भी कह दो, मुख्यमंत्री को से महावीर गुप्ता जी, बुआणी वाले, उन वर्गे ने बहुत दान स्वरूप और शहर के नहीं पूरे मतलब बम्बई कलकत्ता से दान लेकर यह प्राकृतिक चिकित्सालय खड़ा हुआ है और चल रहा है। क्या एक थोड़े से रुपये में माँ बाप की फ़ोटो लगा के उस जगह को मोल ले लिया? और किसी ने तो आपकी फ़ोटो नहीं लगाई। क्या फ़ोटो लगाने से, अगर इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगाई है तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय में जो फर्क काम होना है अपने पैसे से कराए सेठ जी। पता चले भी 20-30 करोड़ रुपये लगाए हैं तो पता तो चले गांव को, 10-20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये लगाने दे, क्या माँ बाप की बहन तो फोटो लगाने का हक बन गया क्या? मैंने भी अग्रवाल सभा में 20-30-50 लाख रुपये लगाए हैं, गांव का चंदा के पैसे लगाए हैं। मैंने तो मेरे बाप की और माँ की फोटो नहीं लगाई। अच्छा, समाज में तो मैंने ऐसा कोई इससे काम भी नहीं किया, तो मैंने भी बहुत चंदे मांगे हैं। तो आज आपका समाज तो गुंगा बहरा बन के तमाशे देख रहा, सिर्फ चिकित्सालय की बात हो, चाहे आपकी महाराजा अग्रसेन की मूर्ति की बात हो, चाहे आपकी खाटू श्याम की धर्मशाला की बात हो, तो टैणी इतना खुल के विरोध कर रहा, तो कोई बात है या दर्द है समाज का? देखो समाज का दर्द साथ देगा ना, ना ना मेरी बात सुनो, सच्चाई का से जो आदमी मुंह फोड़ता ना वो समाज का प्रति डर नहीं लगता? मैंने कोई डर नहीं लगता, मैं तो डरता हूँ परमात्मा से। आपने कहा दबंग लोग हैं, सब काम है, सुनो परमात्मा से डरता हूँ, बंदा से मैं कभी नहीं डरा, और ना मैं सच्चे के लिए सच्ची कहता रहूँगा और आगे भी कहता रहूँगा। जब तक ये समाज के जो ठेकेदार बड़े बड़े ठेकेदार हैं ना, जब तक ये ऐसे काम करेंगे इनका ऐसे ही विरोध मैं करता रहूँगा। धन्यवाद। चलिए भाई एक लास्ट वाला है, भाई बहस मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है। चलिए भाई लग गया है कि संस्थाओं के अंदर जो नामी ग्रामी लोग हैं सिर्फ नाम के लिए और यहाँ से कमा के यहीं थूक के बंद बंद लगाने के लिए बने बैठे रहेंगे, या आप जैसे लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, आप फ्री भी करवाओ हो, बच्चे को एडमिशन कराए, आपने बताया है, तो क्या ऐसे लोगों को आना चाहिए या फिर ये जो कुंडली है आजकल कुंडली है या फिर इन्हीं के दायरे के अंदर है? जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जी, शुरू में बनारसदास गुप्ता द्वारा बनाई गई थी, अब ये बड़े बड़े शहर के नगर सेठ जी जो अपना आपको कुछ अहम समझते हैं, आपके गुंगे बहरे बारे बारे में सारे काम करिए, अहम का नहीं बताना करे, अहम क्या नाम का अहम है? पैसे का, अहम है पैसे का। पैसे कहाँ से आया वो? देखो पैसे भगवान की देन है, इन पर
परमात्मा धंधे रहे तो पैसे, पैसे, के लिए पैसे की देन भी है, भगवान की दे मोज है, लेकिन फिर आदर्श कुल का कांड बता दे हो, चाहे आपकी की और खाए ऐसे पैसे है? ऐसे खाए हैं पैसे, कोई झूठ नहीं करा। तो फिर क्या जो बीमा में पैसे बने थे उसका सारा कमीशन निकाल के फिर कैसे सेठ है? किसी कैसे अपनी जान में तो अपने आप कहते हैं ना, तो समाज का भला नहीं करता। आज तो मनु तो बताओ टैणी के साथ समाज पूरा खड़ा है जी, ये भी चलो उन्हें लेकर समाज के आदमी, अगर 100-200 आदमी जुद पड़ जाए तो 5 आदमी भी इनके गेल नहीं पाएंगे। खाली बस भीतर लाला बिरलाल जी की ताली बजती है, बिरलाल जी अपना आप में देखे समाज के आदमियों के साथ टैणी जैसे खड़ा होते ना, ऐसे लाला बिरलाल जी और अपने प्रधान शिव रतन जी गुप्ता लोगों के साथ देंगे ना, उस दिन समाज की छवि बनेगी, समाज में नाम होगा। पैसे से जो कर रहे हैं ना भी किसी को नहीं बढ़ देना, किसी काम वाले को तो कदे नहीं बढ़ना, खाली वो आदमी ट्रस्ट में बढ़ते हैं तो इनकी ताली बजाते हैं, काम वाले को कदे नहीं बढ़ने देते। ये खाली ताली बजाने वाले जो हाँ 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 लाला जी करते हैं और प्रधान जी करते हैं, वो इनका ट्रस्ट में बढ़ते हैं। सारे ट्रस्टी बाहर के हैं, अच्छा 2-4 ट्रस्टी हैं, ताली बजाने वाले भी खोखले और ताली की गड़गड़ा सुनने वाले भी खोखले, बिल्कुल दोनों ऐसे है, दोनों खोखले है। बिल्कुल ऐसे है जो ताली बजा के हाजी 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 करते हैं और मीटिंग को और हाँ जाए सुनने लायक हो, ताली सुनने के लायक हो जाए, वो ट्रस्टी बनते हैं, वो ट्रस्टी बन रहे हैं बस। तो भाई अहम बात थी विजय टैणी से, क्योंकि समाज की बात थी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बात थी, फिर आपकी खाटू श्याम धर्मशाला की बात थी, और फिर अग्रसेन महाराज की मूर्ति की बात भी थी। तो बड़े बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगाए विजय टैणी ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर। ये टैणी बचाव के विचार थे, हमने सिर्फ सवाल किए जो आज की जरूरत थे। जे एन सी न्यूज से आज नायक पंकज सोनी गया, खास रिपोर्ट।